दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल से गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो है अपना मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ और ये आप भी कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जब मैंने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलर यूट्यूबर है वो लोग सब कंप्यूटर डेस्कटॉप से जो है करके बता रहे, मोबाइल से करने वाला शायद ही मुझे मिला है। लिंक है मैं दे दूंगा, उसके बाद जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों इस पेज का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको ऐसा मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा नीचे जो है। मोबाइल जैसा दिखने के बाद नीचे देखेंगे आप नो थैंक्स ऑप्शन मिलेगा, नो थैंक्स पे आपको क्लिक करना है नीचे। फिर आपको ये वाला जो पेज है ये बहुत टाइम लेता है, आपको थोड़ा सा धीरज के साथ ओपन करना होगा, ये 2-3 मिनट 5 मिनट भी टाइम लग जाता है, थोड़ा वेट करना है आपको। ठीक है, फिर आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज पे भी थोड़ा लोडिंग होगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे टूल का ऑप्शन दिखेगा, टूल का ऑप्शन में आपको यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर की तरफ देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे टूल पर आपको क्लिक करना है। वो जो रेंज वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और एक फाइल खुल जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ये मोबाइल से हो रहा है। तो नीचे आएंगे तो प्लानिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, एक प्लानिंग लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो एक और भी एक फाइल खुल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको इनमें से एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये वाला कीवर्ड प्लानर। अभी स्किप मत करना, बहुत काम बाकी है। ठीक है, ये कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक पेज खुल जाएगा, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दो बक्सा दिखेगा, ठीक है, ये बॉक्स में से बाई तरफ जो है यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो नीला कलर का छोटा सा जगह दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो एक ऑप्शन जो है आपको पूरा फाइल खुल जाएगा ऐसा वाला। अब यहाँ पे आपको वो टाइप करना है जो आप वीडियो का टॉपिक डाल रहे हो, मतलब जो कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर देता आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब टिप्स, अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो यूट्यूब टिप्स को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे कैसा कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। सिंपली आपको ऐसे टाइप करने के बाद नीचे रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, ये नीला कलर बॉक्स है, ये रिजल्ट पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट दिखाई देगा कि कितना पैसा है, कितना कम है, कितना सर्च है, कितना मंथली, सब कुछ जो है आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे और भी दिखेगा, अगर दाएं तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपको यहाँ पे एक एक करके आप सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब भी इसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे उसको सर्च करना जिसका जो है रेट ज़्यादा है। अगर आप बिल्कुल 2 रुपया 1 रुपया 54-58 के लिए काम कर रहे हो यूट्यूब पे तो आप इसको यूज़ ना करेंगे तो ही चलेगा, लेकिन अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो आप ये जो नीचे है आप यहाँ पे जो पैसा ज़्यादा है सर्च व्यू वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।